शिवराज सिंह चौहान अब भले ही मुख्यमंत्री नहीं रहे, लेकिन उनके लिए जो दीवानगी देखने को मिल रही है उसे देखकर आप भी हैरान रह जाएंगे। जी हाँ, एक शख्स ने अपने मामा के लिए ऐसा गाना बनाया जो अब हर किसी की जुबान पर चढ़ गया है। देखिए ये खास रिपोर्ट। ऐसी तस्वीरें तो मध्य प्रदेश में ही देखने को मिल सकती हैं, जहां लोगों में एक नेता के प्रति ऐसी दीवानगी देखने को मिले कि उसके समर्थन में लोग भजन कीर्तन करने लगे। अब उस उपलब्धि को हासिल कर लिया है मध्य प्रदेश के मामा यानी पूर्व सीएम शिवराज सिंह चौहान ने। और हमारे मामा जी ने क्या किया? हो देखी दशा पखंडी, बेटी थी बोझ भाई। 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 बहन की दशा देखी हमारे मामा ने, और सब बोझ समझते थे। देखिए उपलब्धि ही कहा जाएगा, जहां शिवराज मामा के समर्थन में लोग जितने उतारू दिख रहे हैं शायद उतने शिवराज भी न हो। हो देखी चमन हुआ दे कामो नगर गली में। देखी चमन हुआ है कामो नगर गली में। हो देखी चमन हुआ। लोकतंत्र की ये खूबसूरती भी है, जहां हर कोई अपने अपने तरीके से विरोध प्रदर्शन भी कर सकता है और अपनी मांगों को मुखर होकर रख सकता है। अब ये तस्वीरें ही देख लीजिए, ऐसा नज़ारा कहां देखने को मिलता है। लेकिन अपने मामा जी को फिर से मुख्यमंत्री की कुर्सी पर देखना चाहते हैं तो ये समर्थक शिवराज के किए कामों और योजनाओं की पैरोडी बनाकर भजन गाया कर रहे हैं। लेकिन अपने मामा जी को फिर से मुख्यमंत्री की कुर्सी पर देखना चाहते हैं तो ये समर्थक शिवराज के किए कामों और योजनाओं की पैरोडी बनाकर भजन गा रहे हैं। ये खूबसूरत भजन मंडली शिवराज की बुधनी विधानसभा के नसरुल्लागंज में देखने को मिली, जहां भजन गायक कमलेश मीणा ने भजन गाकर शिवराज और एमपी की जनता का दिल जीत लिया। शिवराज अब फिर से मुख्यमंत्री बने या ना बने, लेकिन ये तस्वीरें इस बात की गवाह हैं कि उन्होंने अपने राजनीतिक सफर में वो सफलता और वो मुकाम हासिल कर लिया है जिसके लिए नेता पूरी जिंदगी तरस जाते हैं। वहीं कमलेश का ये भजन अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, एमपी न्यूज़, नसरुल्लागंज।